मनावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांकानेर में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विशेष व्यवस्था वाला हनुमान मंदिर क्षेत्र के लोगों में प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख कारण यह भी कि यहां पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के निवास के लिए पृथक पृथक कमरे बने हुए हैं और साथ ही हमेशा भोजन की व्यवस्था रहती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार समाज सेवी सुनील जायसवाल जी ने अपने पिता श्री छगनलाल जी जायसवाल की स्मृति में करवाया है। आज शनिवार और अमावस्या के अवसर पर पत्रकार मयंक साधु ने भी मनोकामना पूर्ति होने पर भंडारे में सहयोग किया है। मंदिर में देखरेख और अन्य कार्य की जवाबदारी अरुण वैष्णव की है, जिसे वह पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है सर आपका? हरगोविंद सोनी। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार के आयोजन होते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों की किस प्रकार से आप सेवा करते हैं? प्रत्येक अमावस्या के ऊपर कन्या भोजन किया जाता है नर्मदा के हिसाब से, है ना। और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पूरी व्यवस्था है, दाल बाफले लड्डू का भी मेनू है उनके लिए, और दोनों टाइम दाल बाफले लड्डू मिलते हैं उनको, और रहने करने की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है पूरी टीम ने हमारी, जिसमें हम सब आ गए हैं, सुनील भाई वगैरह है, अरुण भाई है, वैष्णव है, बाबा है, इनकी प्रेरणा से सारे काम हो रहे हैं, घेरापटी की प्रेरणा। धन्यवाद। आज बांकानेर हनुमान मंदिर में जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदैव सेवारत रहता है, आज मेरी मनोकामना पूर्ति होने पर मैंने भी यहाँ पे सहभागिता करी और मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है, और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रमों में मैं मेरी सहभागिता देते रहूँगा। धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.